सब लोगों को पता ही होगा पिछले पार्ट में क्या हुआ था। अगर नहीं पता तो क्या करे हो यार, पहले जाके पिछली वाली वीडियो देखो फिर आना। वैसे भी अपनी स्टोरी वाली वीडियो कई दिनों के बाद आ रही है। पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि सिटी में एक ऐसा ट्रक घूम रहा है जिसके अंदर हाईटेक वेपन्स है। उस ट्रक की लोकेशन हमें ईमेन से मिल चुकी है। उस लोकेशन पर जाएंगे, उस ट्रक को लूटेंगे क्योंकि हमें उसके अंदर वाले वेपन्स की ज़रूरत है अपने आगे के मिशन के लिए। लोकेशन पर हम आ गए हैं और आते ही जो हर गेम में होता है वही हुआ है भाई, लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब इनको एक एक करके सलटाते हैं। बंदे तो हमने सुला दिए हैं लेकिन वही कहीं हमें अपना ट्रक नहीं दिख रहा। उधर चल के देखते हैं। और ये लो अपना ट्रक यहाँ पर खड़ा है मस्त एकदम लाल लाल कलर का। इसे लेते हैं और चलते हैं सीधा बिना किसी देरी के। ट्रक हमें मिल चुका है, अब हम सीधा अपने गैराज पर जाएंगे, अपने नए वाले गैराज पर जो हमने थोड़े समय पहले ही खरीदा था। अब भाई कुछ बंदों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें ट्रक ढूंढने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमारे पास तो पहले से ही हाईटेक गन्स थी। लेकिन भाई हमारे पास गन तो थी लेकिन इतने भी हाईटेक नहीं थी कि उन एजेंटों के सामने टिक पाए जो एलियन को भी पकड़ लेते। भाई वो एलियन को भी कैद कर सकते हैं तो हम किस खेत की मूली है, हमें तो वो ऐसे ही निकाल फेंकेंगे। और भाई ये पुलिस भी हमारा टाइम ख़राब कर रही है, इनसे होने तो कुछ वाला है नहीं और ऐसे ही टाइम ख़राब करने आ जाती है। कर लो भाई तुम भी कर लो। मुझे डर तो इस बात का है कि अपनी गन इन पुलिस वालों के हत्थे ना चढ़ जाए वरना तो गड़बड़ हो जाएगी, अपनी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। अगर मैंने ट्रक में से एक भी गन इन्हें निकाल के दिखा दी ना तो इन क्या क्या ऐसे कि ऐसे ही फट जाएंगी, ये अपना पीछा कभी भी नहीं करेंगे फिर। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अपनी जानकारी किसको दे दी पुलिस ने कि हम ट्रक चुरा रहे हैं, ये हमारे पीछे लग गए हैं भाई, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे भाई लोगों आपने अपना वो स्टोरी टेल वाला टीजर देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत से बनाया, इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। चलो आखिरकार अपना पीछा छूट ही गए पुलिस वालों से, ये टुच्चे किस काम के तो थे नहीं, अपना टाइम खराब कर रहे थे। तो अब सीधा हम अपने गैराज जाएंगे। ईमेन भी भाई अपना गैराज में इंतजार करते करते थक गया होगा, बोर होगा, कहाँ पे मर गया साला पता ही नहीं। लो भाई गैराज में भी पहुंच चुके हैं, बस अब इस गाड़ी को अंदर लगाना बाकी है तो इसे अंदर लगा देते हैं। भाई ईमेन का कॉल आया और बोल रहा है हमें सूट भी मिल गया है, वैन भी मिल गया है, तो चलो चलिए पार्टी करते हैं। भाई पार्टी तो होगी और बहुत ज़बरदस्त होगी, उससे पहले कुछ देख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना सूट दिखा देता हूँ जो हमें उस वैन में मिला था, और उसकी थोड़ी बहुत पावर भी चेक कर लेंगे। तो भाई ये है वो सूट जो हमें उस वैन में मिला था, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, आयरन मैन ही बन गए हैं हम तो, अब हमें कौन रोकेगा। भाई अब इसकी ज़्यादा पावर ख़राब नहीं करते हैं और इसे वापस उतारते हैं और सीधा चलते हैं ईमेन के पास। अब हम ईमेन के पास जाएंगे, ईमेन स्टीव के साथ अपना इंतज़ार कर रहा है, और आप लोगों को नहीं पता तो बता दो, स्टीव उस एलियन का नाम है। तो भाई लोगों हम उन बंदों के पास पहुंच चुके हैं और ये सब मिलकर अब प्लानिंग करेंगे कि किसको क्या करना है, और हमारी प्लानिंग होने के बाद सीधा हम हमला करने वाले हैं सीक्रेट बेस पर और अपने दोस्त को छुड़ा लेंगे वहां से। भाई जरा इस एलियन की बात सुनो, मैंने इसे पूछा कि भाई तू इसी उड़ा लेगा क्या फिर से, तो ये बोल रहा है भाई क्यों नहीं, मैं एक और क्रैश लैंडिंग करने के लिए तैयार हूँ। भाई कितना फनी हो रखा है ये भी। Evolved beyond the need for something as base as individual names. Where we come from, we are identified by. तो अब हम सीक्रेट बेस पर जा रहे हैं, और सीक्रेट बेस भाई आप सबको पता ही होगा कि सिटी से बाहर है, एकदम छुपाकर बनाया हुआ है खड्डे में। We don't have names. Don't worry about it, Steve. So, how are you going to stop the mind control? Your government built the mind control device using technology stolen from our ship. The slot machines. Whatever those things are, we can shut them down from our ship. Classic vibes.